यसरी प्रेसिडेंट प्रकाश सन्यासी खदा र झंडा प्रदान गर्ने म निवेदन गर्दछु। अशोक छेत्री, अशोक लाकड़ा, असुर महेश नगेसिया, पेत्रोस उराव जोड़ बजाए माला अब हम एक भैर ऐतिहासिक घटना हो। इसी नैनी कुमारी जीने बटा रवि सिंह, रोशन विश्वकर्मा र अनिल मालपाड़िया तब वहाँ झंडा रदा लगाईदिने अनुरोध करते। रवि सिंह, रोशन विश्वकर्मा, अनिल मालपाड़िया वहाँ तीन जना जीएनएलएफ पैनी कुमारी बड़ा पैनी कुमारी ज्योत रो जीएनएलएफ साथ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को संपूर्ण पदाधिकारी अधिकारीगण आज देखि भारतीय गोर्खा प्रजातांत्रिक मोर्चा को परिवार में शामिल भएकोमा हामी खुशी को साथ वहाँ सबैलाई न्यानो स्वागत गर्दै यो ऐतिहासिक क्षण किन भयो सिमलबाडीको उन्मुक्तिको निवासन राखिदिने म यहाँ अनुरोध गर्दछु। श्रीमानी थापा भएको अनुमति लिँदै साथसाथमा जति पनि सभासद महोदयहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि गर्दै साथमा हाम्रा पार्टीबाट आउनुभएको नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, प्यारेन्ट्स बडी साथसाथमा जति पनि फ्रन्टल अर्गनाइजेसन्सहरू आउनुभएको छ हुनुहुन्छ हाम्रो सेल्फ हेल्प ग्रुपको दिदीबहिनी सबैलाई सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै म के भन्नु चाहन्छु भने सर आजको कार्यक्रमबाट विशेष बताइदिनुहोस्। अब आज यो पहाडमा अहिले घरि बिजेपिएम पार्टीमा जोइन गर्नको लागि धेरै मान्छेहरू उत्सुकता छ हुनु पनि हिजोको कल्चर के थियो भने पहाडमा कुनै पनि पार्टीले जितिसकेपछि हार्ने व्यक्तिहरू विक्टिमाइज गर्ने प्रथा थियो तर हामीले त्यो प्रथा त्यागेर सबैलाई समेटेर एउटा एकताको सूत्रमा बाँधेर हामी पहाडलाई अगाडि लान चाहन्छौँ र आज पनि यसरी नै सिमलबाडीमा जो यहाँ क्यान्डिडेट हुनुहुन्थ्यो कल्याण भाइ र हिजोको हामीसँग प्रवेश सिंह कन्टेस्ट गर्नुभएको थियो झन्डै कति भोट पाएको थियो 1300 भोट पाउनु भएको थियो उहाँले र उहाँले र उहाँको टिमले आज समर्थन गर्नुभएको थियो यही समर्थनको कार्यक्रम आज लगभग कति परिवारले अब मोटामोटी सिमलबाडीमा सबै जस्तो हामी एउटा बिजेपिएम पार्टी नै रह्यो अरू पार्टी सायद सुन्ने नै भयो गोजामुमको पार्टी पनि थियो अनि कल्याण भएको आफ्नो समर्थकहरू थियो फलोवर थियो उहाँ अब जिएनएलएफ बेस्ट हुनुहुन्थ्यो र सब मोटामोटी अब सिमलबाडीमा अरू पार्टी छैन भन्दा पनि हुन्छ हामी र विशेष सुन्दा आयो है आज यो जुन समर्थन गरिरहेको थियो है नेतृत्वहरूको मुखारविन्दबाट सुन्दा आयो कि यहाँनिर धेरैवटा समस्याहरू छ है र ती समस्याहरू समाधानको निम्ति भएको क्रममा सामेल भएको भन्छ नि समस्या त हेर्नुहोस् यहाँ मात्रै होइन पहाडैभरि छ किन मेरो इलेक्सनको मेरो हाम्रो मुद्दा नै व्यवस्थित पहाड भन्ने हामी लागिरहेको थियो तपाईँहरूलाई याद छ अब पञ्चायती व्यवस्थादेखि हामी सुकुनादेखिको त धेरै वर्ष त्यो व्यवस्थादेखि हामी विमुख भयौँ र गभर्मेन्टसँग नेगोसिएसन गर्दा बात मार्दाखेरि पञ्चायती व्यवस्थामा फर्केर आयो अब आउने पञ्चायत इलेक्सनमा पहाडमा इलेक्सन जस्तै समस्या त धेरै छ तर अब यसलाई समस्याको समाधान गर्नुपट्टि हामी लाग्छौँ र समाधान बिस्तारै बिस्तारै र पोजिटिभ वेले गरेर समाधान पनि हुन्छ। अच्छा सर जब जिटिए गठन हुआ तब अभी तक सिमलबाडीमा क्या चिज बढिया वाला गिफ्ट दिए गिफ्ट नहीं गिफ्ट नहीं बोलता थे गवर्नमेंट का फंडे सबसे बड़ा सिमलबाडी जब मैं विजिट किया था उस वक्त प्रत्येक घर में हमको पानी का प्रॉब्लम उन लोगों ने चुना मैंने पहले पीएचडी पढ़ा था ट्यूबवेल दिया था लेकिन सिमलबाडी का पानी शायद आयरन ज्यादा स्ट्रांग है ट्यूबवेल एक एक साल में खराब हो रहा था
सो इसमें पानी का बड़ा स्कीम दिया है, वो शायद 3-4 महीने में प्रत्येक एवरी हॉस्पिटल में लोग पानी मिलेगा हम लोगों को। अच्छा सर, मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आउट ऑफ दिस डे। जैसे कि बिमल गुरुंग जी ने दिल्ली में जो धरना दिया था गोलकनाथ के बारे में, आपकी पार्टी और आपकी ओर से कोई समर्थन किया नहीं है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, बिमल गुरुंग जी सेमिनार किया है गोरखनाथ में, सेमिनार करने से गोरखनाथ होगा नहीं होगा हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन उन लोगों ने पहले मूवमेंट करके सेंट्रल में उन लोगों का डायलॉग भी ओपन हुआ था, सो डायलॉग कंटिन्यू करना चाहिए, फिर अगेन बैक टू जीरो होने से कुछ फायदा नहीं है। सर, आपको क्या लगता है अगर फ्यूचर में ऐसे मूवमेंट हो गया तो आपकी तरफ से कोई समर्थन? मूवमेंट में बिलीव नहीं करता, तो मूवमेंट के पीछे से हम लोग पहाड़ बहुत पिछड़े, ये डायलॉग बातचीत करने से होता है, मूवमेंट करने से नहीं होगा। हम लोग पहाड़वासी हम लोग बहुत भोगा है, पहाड़वासी ने इतना 86 की ये चीज हम लोग सफर हुआ है, मैं आई डोंट बिलीव मूवमेंट, तो ये चीज बातचीत का तरह से होता है, डायलॉग बातचीत करने से समाधान हो जाता है, मूवमेंट करने से क्या होगा, मूवमेंट करने से तो जब भी नुकसान ही नुकसान होता है। आपकी ओर से डायलॉग का पहला स्टेप आप लोग शुरू किए हैं? देखिए, मेरा मैं व्यवस्थित पहाड़ का मेरा मुद्दा है, मैं उस जब जीटी इलेक्शन लड़ा था उस वक्त मैं बोला था कोई अच्छा नॉन पॉलिटिकल आदमी, जो नॉन पॉलिटिकल आदमी गोरखालैंड का डिमांड लेकर आगे जाएगा हम लोग उन लोगों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल आदमी गोरखालैंड का मुद्दा बनाएगा, अभी तक पॉलिटिकल आदमी लीडर लोग गोरखालैंड का मुद्दा कहां सक्सेस हुआ? सो नॉन पॉलिटिकल आदमी जो इश्यू लेकर आगे जाएगा उसका मोटिव नहीं रहेगा, पॉलिटिकल मोटिव नहीं रहेगा, तब हम लोग उसको साथ देंगे। थैंक यू सर। लास्ट सिमलबाड़ी के लिए धेरै कुरा सोचेको छु, तर मैले मात्र सोचेर हुँदैन, सिमलबाड़ी पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ, सिमलबाड़ीको भिजन भएर अगाडि जानुपर्छ, मैले भने त तीमाथि रोइन एउटा बिजनेस भइसक्यो, सिमलबाड़ी अझै ब्याकवर्डै छ, बुझ्नुभयो न? सो यहाँको मान्छे युनाइटेड भएर साँच्ची नै एकतामा आयो भने सबै मिल्यो भने सबै कुरो गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू सर।